आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश जनपद मऊ की। जुम्मे की नमाज को देख मऊ जनपद की पुलिस का फ्लैग मार्च। फ्लैग मार्च में डीआईजी अखिलेश कुमार, डीएम, एसपी सहित भारी पुलिस पीएसी बल मौजूद रही। बृहस्पतिवार की शाम 5 बजे से कोतवाली चौक बाजार होते हुए दक्षिण टोला थाना तक यह फ्लैग मार्च गया। पुलिस ने बार बार लोगों से शांति व्यवस्था बनाने की अपील की है। प्रयास किया है राष्ट्रपति महोदय को इस पत्रक के माध्यम से कि यह जो इस्लामिक कट्टरता जो आए दिन हर हफ्ते हर शुक्रवार के दिन ये लोग कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, पूरे सिस्टम को मंदिर में पत्थरबाजी कर रहे हैं, पूरे सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसके खिलाफ हम पत्रक दे रहे हैं। इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए क्योंकि पूरा देश जानता है कि जब बजरंग दल मैदान में आता है तो पूरा सिस्टम जो है ना डिस्टर्ब होने लगता है और जितने उपद्रवी तत्व हैं वो बिल में घुस जाते हैं। तो हम इस तरह की उपद्रव या उस तरह की कड़ाई नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन सत्ता अपना कार्य करे और उन जनपद में आज फ्लैग मार्च किया गया है। कल जुमे की नमाज की संवेदनशीलता को देखते हुए मऊ शहर में पुलिस पीएसी का संयुक्त रूप से और इसमें प्रशासन भी साथ में रहा है एक फ्लैग मार्च है जिससे एक आम नागरिकों को ये संदेश जाए कि पूरे पुलिस प्रशासन आपके साथ में और कल कोई ऐसी कोई घटना नहीं होने वाली है, कोई अंदेशा किसी के मन में ना रहेगा।